हाय फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम अलैकुम, मुशी मुशी एंड जुले। मैं आपका दोस्त फिर सुजान सिंह एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो आज निर्धारित है वेशु रिवर पे। वेशु रिवर माना जाता है कि ये पीर पंजार की पहाड़ियों से ही निकलता है, और ये उसके कुछ व्यूज़ हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और एयरबल जो वाटरफॉल आपने सुना होगा, एयरबल जो वाटरफॉल है, उस ये वाटरफॉल वहीं से, यही रिवर उस वाटरफॉल को बनाता है, और वहाँ से होके ये आगे निकलता है। जब जम्मू एंड कश्मीर में या कश्मीर वैली में जब सैलाब आया था, तो उसका मैं एक छोटा सा दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये पुल जो आप देख रहे हो अभी, ये जो पुल है, ये पुल यहाँ पे था, ये बाद में कंस्ट्रक्शन किया गया। उससे पहले ये वाला पुल था जो यहाँ गिरा दिख रहा है। तो इतना फ्लड इसमें आता है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लड आता है। तो मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें, इन्जॉय कीजिए। और हाँ, बीच में एक चीज़ मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि चैनल पे जो नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आने वाले कुछ नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए दिखाऊँगा। एक मान्यता और भी है, जो जब मैंने लोगों से, यहाँ के लोगों से बात की इस वेशु रिवर के बारे में, तो जब हरि सिंह का ज़माना था, जब हरि सिंह यहाँ पे थे, राजा थे जो, तो कहा जाता है कि जब इस रिवर को क्रॉस करते थे, तो उनकी सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि आप नंगे पैर जाइए। नंगे पैर जाने का मकसद ये था कि इसमें बहुत सारी मछलियाँ होती थी, अभी भी बहुत मछलियाँ लोग यहाँ पे पकड़ते हैं, बेचते हैं, फिशिंग करते हैं लोग, और फिशिंग करने के बाद घर ले जाते हैं अपने और बेचते भी हैं। तो उस टाइम बोला जाता था कि हरि सिंह के ज़माने में, हरि सिंह का जो राज था यहाँ पे J&K में, तो उस टाइम इस नाले को क्रॉस करने के लिए लोगों के शूज़ उतारे जाते थे, इसलिए उतारे जाते थे कि मछलियों को चोट ना पहुँचे। तो एक वो भी ज़माना था कि जब हम मछलियों को चोट ना पहुँचने के लिए शूज़ उतार के जाया जाता था। और आज हम लोग जो हमारे रिवर्स हैं, या उनमें जो खनन हो रहा है, या जो गलत चीज़ें हो रही हैं, वो हम लोगों को सबको सोचना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, ताकि यही हमारी एक्चुअल नेचुरल ब्यूटी, इसी को बोलते हैं, और इसी से हमारा जो कल्चर है वो मेंटेन भी रहता है, और हमारी पहचान भी रहती है। तो ये वो रिवर है जो सैलाब के बीच में टूट के आया था। और आप सब व्यूअरों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और मिलूँगा मैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, और कुछ नई चीज़ लेके आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।